नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनलॉक 5 आज से लागू हो रहा है और देश में छूट का दायरा भी इस अनलॉक 5 के साथ बढ़ता जा रहा है। अब इस दायरे में कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल शामिल हो गए हैं। सरकार ने सिटिंग अरेंजमेंट में फिजिकल टेस्टिंग के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 7 महीने बाद मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहे हैं। इसमें 50% क्षमता का खास ध्यान रखा गया है। एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं हर शो के बाद सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तरी राज्यों ने मल्टीप्लेक्स नहीं खोलने का फैसला लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, अनलॉक 5 आज से देश भर में शुरू हो रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में आज से मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल, कोरोना संक्रमण के बीच में आज से जो है अनलॉक 5 पूरे देश में आज से लागू हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने जिस तरीके से अनलॉक के जो दायरे बढ़ाए गए हैं उसमें सिनेमा हॉल जो है प्रमुख रूप से है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में जो सिनेमा घर जो घर हैं उसमें जो स्क्रीन जो सिंगल स्क्रीन के जो मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय कोई नई मूवी नहीं आई है, नई पिक्चर नहीं आ रही है, इसके चलते हमें घाटा ही होगा, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पे आज खोलने की मनाही कर दी है। लेकिन वहीं अगर हम राजधानी भोपाल के मॉल्स की बात करें, जो मॉल्स में मल्टी स्क्रीन जो बने हुए हैं वहाँ पे कुछ मॉल्स के अंदर जरूर खोले जाएंगे। लेकिन स्वयं जिस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे मुख्य चीज जिस तरीके से गाइडलाइन आई है इसको खोलने की, तो कई ऐसे बिंदु रखे गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं सिनेमा घर के जो मालिक हैं वो जो है सरकार से सीधे तौर पर नाराज दिख रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से ये कहा गया है कि सिनेमा घर अगर खोले जाते हैं तो सबसे मुख्य आप स्क्रीनिंग कराएंगे, आपके साथ जो जो दर्शक फिल्म देखने आ रहे हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लेकिन जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट की जो बात की गई है सबसे मुख्य कारण यही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो व्यक्ति यानी दर्शक बैठा हुआ है तो उसके बाजू की सीट और सामने की सीट और पीछे की सीट यानी कुल मिला के आसपास की जितनी सीटें हैं सिंगल सिंगल सीटें उनको खाली रखा जाएगा। और 50% के साथ जो है सिनेमा पैलेक्स खोलने की जो है मंजूरी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 महीने की अगर हम बात कर रहे हैं शुभम, तो 7 महीने से लगातार सिनेमा पैलेक्स जो है बंद है, तो कहीं ना कहीं से करोड़ों रुपए का जो घाटा इस समय वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके बाद अब जब ये खोलने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इस पे भी सरकार की जो नया नियम और सिनेमा घर के जो मालिक हैं उनके बीच ठंडी हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है, हालांकि उनका यह कहना है कि अभी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसकी वजह से दर्शक नहीं आएंगे, और पुरानी फिल्म जो हम दिखा चुके हैं और उसको वो 7 महीने पहले की फिल्म है, तो कहीं ना कहीं दर्शकों का रुझान जो है सिनेमा घर की तरफ से नहीं होगा, तो हमें दोहरी मार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो 7 महीने में हमारा घाटा हुआ है उसके बाद जब हम पिक्चर रन करते हैं वो फिल्म जो पुरानी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दर्शकों का रुझान नहीं होगा, जिसके वजह से हमारा घाटा साफ तौर पे हमें दिख रहा है। और यही कारण है कि आज जब अनलॉक 5 पूरे देश में लागू हो रहा है और सिनेमा घरों को भी खोलने के लिए इजाजत दे दी गई है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो अभी यह स्थिति बनी हुई है कि साफ तौर पे संचय बना हुआ है कि आखिर क्या आगे की स्थिति होगी। हालांकि जैसे कि हमने सिनेमा घर के मालिकों जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे भी जब चर्चा की तो साफ तौर पर यह माना गया है कि जिस तरीके से कहा गया है कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट में 50% ही आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, साथ में अगर शो के शुरुआत में बने रहिए हमारे साथ, तो लौटूंगा आपके पास, आपके पास मैं आऊंगा। सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारी संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में तो इजाजत नहीं है सिनेमा हॉल खोलने की, सरकार ने मना कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्यों को फैसला लेना होगा। फिलहाल रायपुर में क्या स्थिति, अनलॉक 5 शुरू हो गया है, गाइडलाइंस में क्या कुछ संशोधन है अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में, और क्या कुछ नया होगा जो अनलॉक 1 से लेकर 4 तक नहीं हुआ वो अनलॉक 5 में होने जा रहा है।
जी बिल्कुल, अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति तो दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस संबंध में किसी तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। सिनेमा घर को खोलने को लेकर के भी आदेश जारी नहीं किया गया, ना ही उसको बंद करने को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसे लेकर के सिनेमा घर के संचालक जो है वो संशय की स्थिति में है। वो इस उम्मीद में बैठे थे कि सिनेमा घर जो है वो 15 अक्टूबर तक खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। आज हम सिनेमा घर रायपुर में के बाहर में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये ताला जो है वो 7 महीनों से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 130 से ज्यादा सिनेमा घर है, जिसे लेकर के जो सभी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है, जितने भी यहाँ पर स्टाफ कार्यरत है, उन पर जो है आर्थिक संकट की जो सामना है वो करना पड़ रहा है। उनकी मांगे थी कि जल्द से जल्द सिनेमा घर खोला जाए, क्योंकि सब जो है वो अब खुल चुकी है, सिनेमा घर नहीं खुले हैं। तो सिनेमा घर में सिर्फ सिनेमा घर के भरोसे अपना जीवन यापन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो है आर्थिक संकट आन पड़ी है, क्योंकि 7 महीने से सिनेमा घर बंद है और इनके पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में ये रोजगार ढूंढने भी कहां जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने जो है सरकार से मांग भी की थी कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, उस हिसाब से 15 अक्टूबर से सिनेमा घर को खोलने की छूट हमें दी जाए, हम सिर्फ 50% जनता के साथ ही सिनेमा घर को संचालित करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जो की जाती है वो भी करेंगे। इन तमाम मांगों के साथ सिनेमा घर के संचालकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी भेजा था, लेकिन इस पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। बता दें कि सिनेमा घर में जो है 3000 से अधिक स्टाफ कार्यरत है, ऐसे में सभी पर जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 7 महीनों से बंद सिनेमा घर आज भी नहीं खोले गए हैं, क्योंकि किसी तरह का आदेश नहीं आया है, ना ही इसे बंद करने का आदेश है, ना ही इसे चालू करने का आदेश है। इस वजह से जो है सिनेमा घर के संचालक है वो काफी ज्यादा जो है उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से कि सिनेमा घर को 15 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में खोलने दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिनेमा घर बंद पड़े हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर सिनेमा घर नजर आ रहे हैं। वहीं संचालकों का ये भी कहना है कि सिनेमा घर में इतनी ज्यादा आर्थिक संकट आन पड़ी है कि कुछ सिनेमा घर जो है वो बंद होने की कगार पर भी आ चुके हैं, क्योंकि पिक्चरें लग नहीं रही है तो उनका रोजगार भी नहीं हो रहा है और ऐसे में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये भी वो कहते हैं कि अब ऐसे में अगर और 1-2 महीने सिनेमा घर का संचालन नहीं किया जाता है तो उनके रोजगार छिन जाएंगे। इस वजह से कुछ सिनेमा घरों को बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आदेश है वो काफी दिनों से सिनेमा घर के संचालक इस आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि केंद्र की तरफ से तो आदेश आ चुका है, लेकिन राज्य के द्वारा किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है, जिस वजह से सिनेमा घर के जो संचालक है वो भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए वो सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि सिनेमा घर को आर्थिक संकट तो लगातार गहराता जा रहा है सुप्रिया, और पिछले 7 महीने से सिनेमा घर बंद है, तो सिनेमा घरों में जो काम करते हैं कर्मचारी हों चाहे सिनेमा घर संचालक हो, उनके लिए भी आर्थिक चुनौती का सामना तो इस दरमियान करना ही पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आप जहां पर मौजूद हैं वहां आसपास लोगों से बात करके बताएं और वो उनसे पूछें कि अनलॉक 5 में किस तरह की राहत वो महसूस कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास कोई भी लोग, जैसे कि हम बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सब अपने रोजमर्रा की काम के लिए लगे हुए हैं, सब अपने जो ड्यूटी है वहाँ पर जाने के लिए लगे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ कोई भी जनता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जनता के तरफ से मैं बताना चाहूंगी कि जनता ये कहती है कि अनलॉक 5 के दौरान जो है काफी ज्यादा छूट मिली है, जो अब छूट मिली है वो ठीक है। वैसे सिनेमा घरों के साथ ही अब जो है काफी जो ऐसे लोग हैं वो भी एक बार राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब जो है राहत की बात है, अनलॉक 5 शुरू हो गया है। अतुल के पास आऊंगा। अतुल, छत्तीसगढ़ में तो सिनेमा घर संचालन करने की अनुमति नहीं मिली है, सिनेमा घर खोलने की अनुमति नहीं मिली है, मध्य प्रदेश में मिल गई है, लेकिन हालात ज्यादा बेहतर यहाँ भी नहीं है, क्योंकि नई फिल्में नहीं आई है, संकट यहाँ भी है सिनेमा घर संचालकों के लिए। हाँ देखिए, बिल्कुल सरकार की माने तो सरकार की तरफ से तो जिस तरीके से छूट दी गई है और साथ ही जिस तरीके से कोविड को लेकर जो नियम बनाए गए हैं टॉकीज खोलने को लेकर,
वो तमाम चीजें सरकार ने अपनी तरफ से रख दी हैं और सिनेमा घर के जो मालिक है गेंद उनके पाले में अब छोड़ दिए कि आखिर किस तरीके से उनको आगे काम करना है। लेकिन अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं शुभम, पिछले 7 महीने से अगर हम बात करते हैं तो 7 महीने में लगातार फिल्मों के जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया था कोविड की वजह से, नई फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं। सिंगल अगर हम स्क्रीन की बात करें, सिंगल स्क्रीन के ऊपर जो पुरानी फिल्में लगी हुई है वो लगभग 7 महीने पुरानी फिल्में हैं। ऐसे में दर्शक आखिर क्यों सिनेमा घर तक पहुंचेंगे, आखिर क्या कारण है कि वो सिनेमा घर में पहुंचे? तो नई फिल्मों को लेके जो स्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं सिनेमा घर के जो पहला शो तो शुरू हो गया होगा, कितने लोग तकरीबन जा रहे हैं सिनेमा घरों में, कुछ जानकारी है? देखिए जिस इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के ज्योति टॉकीज में, पूर्ण तरीके से बंद है। साफ तौर पे कहना है कि हम टॉकीज इस समय नहीं खोल सकते क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से घाटा जो सहन किया गया है, अब अगर सरकार ने कह दिया है लेकिन बावजूद ये जो घाटा चल रहा है लगातार सिनेमाघर संचालकों को लेकर, जो आर्थिक संकट है और नई फिल्में रिलीज नहीं हुई है, तो कई सारे मल्टीप्लेक्स तो फिलहाल राजधानी भोपाल में बंद है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सुप्रिया मेरी सहयोगी रायपुर से लगातार जुड़ी हुई है। सुप्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।